खबर आ रही है अमेठी से। अमेठी में आगामी त्योहार और अयोध्या मामले को लेकर एसपी ख्याति गर्ग ने जगदीशपुर कोतवाली में क्षेत्र के ग्राम प्रधान व संभ्रांत लोगों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान एसपी ने मौजूद लोगों से गुजारिश की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी मैसेज से सावधान रहें और ऐसे मैसेज से हम लोगों के पास भेजकर उसकी पुष्टि करें, फिर उसको वायरल करें। अगर फर्जी मैसेज को वायरल करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अयोध्या मामले पर कहा कि सभी धर्मों के लोग न्यायालय के फैसले का दिल से सम्मान करें। आप सब लोग जान रहे हैं कि इसमें लगातार हम लोगों की पेट्रोलिंग बढ़ी है और ढाबों पर, सरायों पर, बारात घरों पर, ठेकों पर गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की मॉनिटरिंग कर रही है और इसमें जगह जगह पर हम लोग ग्राम सुरक्षा समिति, धर्म गुरुओं की, व्यापार मंडल की बैठकें कर रहे हैं जिससे आपसी सौहार्द बढ़े। अफवाहों के चलते हमने एक सोशल मीडिया सेल को एक्टिवेट कर दिया है जिसमें यदि इस तरह की व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, चाहे फोटो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से कोई भी गलत सूचना सर्कुलेट होती है तो तुरंत उसका खंडन किया जाता है और उसको रिपोर्ट किया जाता है। आज जगदीशपुर में, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि के निर्णय आने के परिपेक्ष में तथा आगामी 12 वफात का जो त्यौहार है उसके परिपेक्ष में पीस कमेटी की गोष्ठी की गई है। इस गोष्ठी में यहाँ के सभी संभ्रांत जन, डिजिटल वॉलंटियर्स, धर्मगुरु, यहाँ के व्यापार मंडल के सभी सदस्य, यहाँ के CHC, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी और यहाँ के S10 मेंबर्स, यहाँ के ग्राम सुरक्षा समिति के सभी मेंबर्स, इन सब लोगों को बुलाया गया और सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में इनसे बातें की गई। राम जन्मभूमि के परिपेक्ष में जो भी निर्णय आए वो सभी लोगों को मान्य रहे। अफवाह फैलने या फैलाने वाले या उसका बढ़ावा देने वाले के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और 12 वफात के त्यौहार के संबंध में जो भी तैयारियां होनी है उन संबंध में चर्चा की गई और यही शुभकामनाओं के साथ ही मीटिंग सम्पन्न हुई के सांप्रदायिक सौहार्द के साथ जगदीशपुर में ये त्यौहार भी मनाया जाएगा और आगामी जो राम जन्मभूमि का निर्णय है वो भी सब लोग खुले दिल से, खुले मन से उसको एक्सेप्ट करेंगे।